यूपी के सुल्तानपुर जिले के भरत ज्वेलर्स शोरूम में बीते महीने डकैती हुई। इस डकैती में कई बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव मारा गया, उसके बाद नंबर आया उन्नाव के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह का। अनुज प्रताप सिंह पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। यूपीएसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने घेर करके उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 1,00,000 रुपए के इनामी अनुज प्रताप सिंह को मारे जाने को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सवाल खड़े किए थे और पूरी समाजवादी पार्टी हमलावर थी, उस एनकाउंटर को लेकर के जिस तरह से चप्पल में पहुंचे हुए डीएसपी पर भी सवाल खड़े किए गए थे और इसी को लेकर के अब इस मामले में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस एनकाउंटर में एक चीज समान थी, वो ये था कि मंगेश यादव जिस तरह से मारा गया था और उस बाइक में बैठा हुआ व्यक्ति भाग गया था, वैसे ही इस एनकाउंटर यानी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में भी अनुज तो मारा गया लेकिन उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति फरार होने में कामयाब रहा। इसके पास भी बैग मिला, इसके पास भी चांदी मिली और एनकाउंटर में ढेर हुआ। वहीं अब तक 3 बदमाशों का पकड़ा जाना फिर भी बाकी है। इस एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए, कई लोग जेल पहुंच चुके हैं और मुख्य आरोपी ने तो बाकायदा जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। लेकिन अनुज के एनकाउंटर में भी यूपी की सियासत तेज है और अब पहले समाजवादी पार्टी ने और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर की तरह ही इसे भी फर्जी बता दिया है और लगातार योगी सरकार और यूपी पुलिस को उन्होंने घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव ने अब कहा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, भाजपा ही उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय अखिलेश यादव की इस तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी पलटवार कहा। उन्होंने कहा कि यूपी की सत्ता में जब से योगी आए हैं तब से लगातार अपराधियों का सफाया हो रहा है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन यूपी में जिस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं और इन एनकाउंटरों में मारे गए लोगों की जातियों को देख करके बात हो रही है और विवाद आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने बाकायदा इसे सेटलमेंट एनकाउंटर करार दे दिया था, यानी पहले यादव को मारो और उसके बाद बैलेंस करने के लिए सेटल अकाउंट और सामान्य चीज़ें करने के लिए अब छत्री का एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं अनुज के पिता ने भी एक बात कही। अनुज के पिता धर्मराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार मंगेश यादव के मामले में हमलावर थे उसी का परिणाम है कि उनके बेटे को भी मारा गया है। अब शायद उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी क्योंकि ठाकुरों के भी एनकाउंटर अब शुरू हो गए। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वहीं अब इस मामले में जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भी चौंकाने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।